सब लोग 22 लोग बेंगलोर में है और सभी अपनी मर्जी से हैं, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से हैं। और जहाँ अच्छा निर्णय लिया है महाराज ने कि हमको वे किसी जगह पे ले जा रहे हैं, अगर महाराज साहब किसी जगह पे नहीं ले जाते, हम लोगों से अगर वो कहते, स्वयं मैं अपने से खुद कहती हूँ कि कुआं में गिरना है तो कुआं में भी गिरूंगी, पर महाराज के साथ रहूंगी। जहाँ हमारे श्रीमंत महाराजा साहब है वहाँ इमरती देवी है और जितने हम 22 विधायक है सब हंसी खुशी से है और सब अपनी इच्छा से है। और महाराज की जो अपेक्षा उनने की है कांग्रेस वालों में, इतनी तो बीजेपी में भी कभी नहीं हुई थी। हमने भी 10 साल बीजेपी में रहे हैं विधायक बन करके, तो इतना बुरा हाल नहीं था जितना कमलनाथ जी ने कर दिया था हम लोगों के क्षेत्र में। हमने 10 साल कहा हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, लेकिन जब सरकार आई तो और इतनी बुरी तरह से हम बेहाल हो गए कि एक काम भी हमें कांग्रेस की सरकार में नहीं मिला है और हमारी कमलनाथ जी ने बिल्कुल नहीं सुनी। और खासकर तो सिंधिया महाराज के